नमस्ते मित्रों, आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल है। तो दोस्तों, आज हम NTSC की परीक्षा के एक बहुत ही बहुमूल्य और सरल विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है ऑड मैन आउट या असंगत अलग करें। साथियों, इस विषय के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें गणित के सारे बुनियादी गुण मालूम होने चाहिए, जैसे कि सम और विषम संख्या, संख्या के वर्ग, घनक्षेत्र आदि, अभाज्य संख्या, ज्यामितिक आकार और उनके गुण, दिशाएं जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त, दर्पण छवियां आदि। अगर आपको ये सब अच्छे से याद हो गए, फिर हम इन्हें प्रश्नों को सुलझाने में इस्तेमाल करेंगे। अब असंगत अलग करने के विषय काफी हद तक पैटर्न वाले विषय की तरह हैं। आपको दिए गए विकल्पों में एक ऐसा पैटर्न ढूंढना होगा जो सिवाय एक विकल्प के बाकी सारे विकल्प में लग रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो अगर हम 26 को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 26 जो है 5 के वर्ग के आसपास पड़ता है। जो 65 है वो हमारे 8 के वर्ग के आसपास पड़ता है। जो हमारा 197 है वो हमारा 14 के वर्ग के आसपास पड़ता है। और जो हमारा 224 है वो हमारा 15 के वर्ग के आसपास पड़ता है। तो अगर हम इनमें पैटर्न ढूंढे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 26 है उसे हम 5 का वर्ग जोड़ 1 लिख सकते हैं। जो हमारा 65 है उसे हम 8 का वर्ग जोड़ 1 लिख सकते हैं। जो हमारा 197 है उसे हम 14 का वर्ग जोड़ 1 लिख सकते हैं। और जो 224 है उसे हम 15 का वर्ग घटाना 1 लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन डी है उसमें सबसे अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो असंगत अलग करने के प्रश्न में जो विकल्प सबसे अलग पैटर्न को फॉलो करेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर डी होगा। तो अब इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आपको ध्यान से सारे जो विकल्प है उन्हें देखना होगा। तो चलिए हम डी से स्टार्ट करते हैं। डी में हम देख सकते हैं कि ये जो 27 है ये हमारा किसी संख्या का घनक्षेत्र है, जो है 3 का घनक्षेत्र। जो हमारा इस संख्या में 8 है वो हमारा 2 का घनक्षेत्र है। यहाँ पे भी 8 हमारा 2 का घनक्षेत्र है। और जो यहाँ पे 1 है वो 1 का घनक्षेत्र है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं घनक्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम A में देखें तो A में हम जो ये पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और 1 का घनक्षेत्र 1 होता है। बी विकल्प में अगर हम 1 जोड़ 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 2 का घनक्षेत्र 8 होगा, जो हमारा ये बीच वाला संख्या है। अगर हम ऑप्शन सी देखें तो इसमें ये पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, पर इसका जो घनक्षेत्र होता है वो 64 होता है, जो हमारा बीच वाली संख्या के बराबर नहीं है। अगर हम विकल्प डी देखें तो इसमें पहली संख्या और आखिरी संख्या 2 जोड़ 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और जो 3 है उसका घनक्षेत्र 27 होता है, जो हमारी बीच वाली संख्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सिवाय इस ऑप्शन के सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसमें हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी वर्ग या घनक्षेत्र नहीं दिख रहा है, तो हम उस दिशा में अब नहीं सोचेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बहुत ही सरल काम करते हैं। हम ये सारी जो संख्याएं हैं इनका जोड़ करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो अगर विकल्प ए में देखेंगे तो 5 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 4 हमारे पास 17 आएगा। जो विकल्प बी है उसमें हमारा इन सब का जोड़ है वो 15 आ रहा है। विकल्प सी में इनका जोड़ जो है वो 13 आ रहा है और विकल्प डी में इनका जोड़ 19 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें,
हमारे पास 17, 13 और 19 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, या ये हमारे अभाज्य संख्या हैं। पर हमारा जो 15 है ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये होता है 5 × 3। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, सी और डी जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जो असंख्य विकल्प है वो है बी, तो ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसा ज्यामितिक आकार में से आकार ढूंढना होगा जो बाकी सबसे अलग होगा, या जो सबसे अलग पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो अगर हम विकल्प ए को देखें, या जो विकल्प वन है हमारा, उसमें हमारे पास एक इस तरह का आकार है, और इसके जो कोने हैं, जो चार कोने हैं, उनमें भी हमें ऐसा ही आकार दिखेगा जो बिल्कुल इस बड़े वाले जो आकार है इसके जैसे है। विकल्प दो में हमारे पास एक ऐसा आकार है, और इसके भी जो कोने हैं उसमें बिल्कुल इसी के जैसा आकार है। विकल्प तीन में कुछ इस प्रकार का आकार है, और इसके कोनों में भी इसी प्रकार का आकार है। अब हमारा जो विकल्प चार है उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का हमारे पास आकार है, परंतु इसके ये जो दो कोने हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें तो ऐसा ही बाहर वाले की तरह आकार मिलेगा, बट इस कोने में और हमारे इस कोने में बिल्कुल अलग आकार है। विकल्प पांच में भी हम देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का बाहर का आकार है, और अंदर का भी आकार जो है वो चारों बाहर के आकार जैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा विकल्प चार है उसमें ये वाले जो आकार है और ये वाला आकार है वो इसे सबसे अलग बना रहा है। तो हमारा उत्तर भी विकल्प चार होगा। अब इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा m है, m में हम देखेंगे कि इसमें कितनी रेखाएं हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 और 4, चार रेखाएं हैं। जो हमारा f है उसमें हमारे पास 1, 2, 3 रेखाएं हैं। जो a है, a में हमारे पास 3 रेखाएं हैं। जो z है उसमें 1, 2, 3 तीन रेखाएं हैं, और जो y है उसमें 1, 2 और 3 तीन रेखाएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा m है, जो हमारा विकल्प a है, उसमें ही सिर्फ चार रेखाएं हैं, बाकी सारे जो हमारे विकल्प हैं उनमें अक्षरों में तीन तीन रेखाएं हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1। अब इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम विकल्प वन में देखें, एक में, तो इसमें यहाँ पे ऐसा एक गोल आकार है, फिर ट्रायंगल है, फिर एक ऐसा क्रॉस है, और फिर से एक और गोल आकार है। उसके बाद अगर हम विकल्प वन से विकल्प टू की ओर जाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो आकार है वो इस जगह पे आ गया है, यहाँ पे, फिर ये जो ट्रायंगल है वो इस जगह पे आ गया है, फिर ये जो क्रॉस है वो इस जगह पे आ गया है यहाँ पे, और ये जो गोला है वो इस जगह पे आ गया है। तो वो इस दिशा मूव किया है, और इस दिशा को हम दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। अगर हम अब विकल्प दो से विकल्प तीन की ओर जाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस है ये इस जगह आ गया है यहाँ पे, फिर ये जो गोला है वो इस जगह आ गया है, ये वाला जो गोला है वो इस जगह आ गया है, और ये जो त्रिकोण है वो इस जगह आ गया है। तो यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा में चल रहे हैं। अगर हम अब विकल्प तीन से विकल्प चार की ओर जाएं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्रॉस है वो इस जगह गया, गोल आकार इस जगह, ये वाला जो गोल आकार है वो इस जगह, और ये जो त्रिकोण है वो इस जगह। यहाँ पे भी हम दक्षिणावर्त दिशा में ही मुड़ रहे हैं। अब अगर हम चार से पाँच की ओर जाएं, तो हम देख सकते हैं कि
ये त्रिकोण इस जगह गया है, ये वाला जो हमारा क्रॉस है वो इस जगह गया है, ये वाला गोला इस जगह गया है, और फिर ये वाला जो गोला है वो इसी जगह रहा है। तो हम देख सकते हैं 4 से 5 की ओर में हमारा जो दक्षिणावर्त वाला पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो सबसे अलग जो उत्तर होगा वो हमारा 5 होगा, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 4 तक जो था वो पैटर्न फॉलो हो रहा था। हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 5। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आपको मिरर इमेजेस के बारे में या दर्पण छवियों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास अगर एक मिरर होता है ऐसे, तो यहाँ पे मान लें हमें एक इस प्रकार का आकार दिया गया है। तो जो मिरर में या दर्पण में जो है ये आकार बिल्कुल उल्टा दिखेगा हमें। तो अगर ये कुछ ऐसा है तो ये जो आकार है हमें दर्पण में ऐसा दिखेगा, और दर्पण में बस इसकी लेफ्ट और राइट या दाईं और बाईं ओर बदलेंगी और कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर हम देखें, हम विकल्प 5 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो ये वाला यहाँ पे अगर हम एक दर्पण बनाएं, तो इस ओर वाला जो हमारा आकार है और ये ओर वाला जो आकार है ये एक दूसरे के दर्पण छवियाँ हैं। अब अगर हम फिर से यहाँ पे एक दर्पण बनाएं, तो ये ओर वाला जो हमारा आकार है वो इस ओर वाले आकार की छवि है दर्पण में। हम ऐसा ऑप्शन 3 में भी कर सकते हैं और ऑप्शन 2 में भी कर सकते हैं। परंतु अगर हम ऑप्शन 1 को देखें, तो इसमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण बना रहे हैं, तो ये वाला जो आकार है वो इस आकार के दर्पण छवि नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का आकार होगा तो इसकी जो दर्पण छवि होगी वो इस प्रकार की आएगी, पर हमारे पास जो आकार आ रहा है वो इस प्रकार का आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 1 है वो सबसे अलग है, तो हमारे जो उत्तर होगा वो 1 होगा। अब दोस्तों, हम वोकैबुलरी और शब्दावली सेक्शन में आए हैं। तो इस सेक्शन में मैं आपको कुछ नए शब्द बताऊंगी और उनका अर्थ बताऊंगी, और इससे मैं आप चाहती हूँ कि आपकी शब्दावली जो है वो इंक्रीज हो या बढ़े। तो हमारा जो सबसे पहला शब्द है वो है इंट्रोडक्शन। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है द एक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग। हिंदी में हम इसे कहते हैं परिचय। मतलब किसी भी विषय पे अगर मैं आपको परिचय दे रही हूँ, तो उस विषय का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो हम इस शब्द को ऐसे यूज कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा शब्द है वो है डेडिकेशन। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड टू अ टास्क और पर्पस। मतलब हिंदी में होता है निष्ठा। तो अगर आप किसी काम को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे OLI के सेक्शन पे जाके देखिए, वहाँ पे सारे विषयों पर बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी विषय पे वीडियो बनाएं, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।